पीपल, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैंने अमेजोन से एक रिंग लाइट मंगाया है जिसका ब्रांड नेम है डिजिटेक। तो ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, इसका मैं ऑनेस्ट रिव्यू करने वाली हूँ। ये मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए मंगाया है और ये मुझे कैसा लगता है, इसकी क्वालिटी कैसी है, क्या है, ये चीजें तो खोलने के बाद ही पता चलेगी। तो वैसे तो मैं शूट हमेशा सुबह करती हूँ, पर जानबूझ के आज शाम में करी हूँ कि क्या डिफरेंस आता है मुझे देखना है। और सबसे पहले तो आपको मैं दिखा दूँ कि सबसे पहले ये इतना बड़ा बॉक्स है और ये पैकिंग अच्छे तरीके से तो नहीं होकर के आया है, ये ओपन ही एक तरफ से। बस इसके अंदर अब देखते हैं कुछ डैमेज ना निकले। चलिए इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। ओके, पिज्जा की तरह आया है। यहाँ पे हमने एक पिज्जा के बॉक्स को देख रहे हो आप, इस तरीके से इसको ये था ये, और इसको हमने ओपन कर दिया है। अब इसके अंदर हैं, ये तो खाली है। इसके अंदर ऐसा कुछ सामान है, भगवान ऐसा ना हो इसमें चीजें ही ना हो। ये भी खाली है। लाइट, और इसके अंदर है शायद ट्राइपॉड। ओके, हाँ तो इसके अंदर ट्राइपॉड है। तो अभी इसकी इंस्टॉलेशन करते हैं हम लोग। दिया है ये फोन होल्डर आपका 360 डिग्री घूम सकता है। ये हो गया। अब ये जो नीचे का है इसको टाइट कर देते हैं। ठीक है, ये मेरा परफेक्ट हाइट है शूट करने का। तो यहाँ पे इसको ऐसे कर देते, इसको जितना नीचे करेंगे तो उतना सेफ होगा। इसको ऐसे सीधा कर देते हैं और इसको उठा देते हैं। ठीक है, अब इसको हम इसके, ये तो ये छोटा वाला एक ट्राइपॉड है जिससे आप अपने उसको कनेक्ट कर सकते हो। तो इसकी जरूरत अभी हमें नहीं है, तो इसको हम अभी साइड कर देते हैं। उसके बाद अब इसका इफेक्ट देखते हैं कि इसमें कैसा इफेक्ट है, बाकी ये सब टाइट है कि नहीं चेक कर लेते हैं। एक और बार इसको दोबारा घुमा लेते हैं, ये टाइट है कि नहीं। ओके, तो ये प्रॉपर हो चुका है। थोड़ा सा लूज सा क्यों लग रहा है मुझे पता नहीं। सारी चीजें टाइट कर देते हैं। तो ये अभी जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये नॉर्मल रूम के लाइट पे एलईडी बल्ब पे हो रही है। अब मैं इसको ऑन करती हूँ और देखती हूँ कि क्या। ओके, कुछ ज्यादा ही ब्राइटनेस हो गया। ओके, तो ये इसका एक लाइट है जिसमें मैं इसको ज्यादा भी कर सकती हूँ। अच्छा, ओके, ये इसका लास्ट है। ये इस, मैंने इसको माइनर किया है, इसका लाइट कम कर रही हूँ और ये मैं इसे बढ़ा रही हूँ। तो ये इसका
ये इसका सबसे लास्ट है। तो इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है ये आप लोग देख सकते हो। उसके बाद येलो, ऐसा वॉर्म येलो मेरा फेवरेट है, मुझे वॉर्म येलो का इफेक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो वॉर्म येलो में मैं जो हाईएस्ट है वो करके आपको दिखाती हूँ। ये हाईएस्ट है इसका, और ये अगर मैं माइनस कर रही हूं तो ये हो रहा है माइनस, देख रहे हो आप, ये सबसे माइनस है और ये सबसे हाईएस्ट है, ये सबसे हाईएस्ट है। तो आप डिफरेंस देख लो। उसके बाद मैं तीसरा जो लगाऊंगी वो है वाइट, इसका भी ये है। आप बताओ मुझे सबसे ज्यादा किस में ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये है वाइट, ये है येलो और ये है वॉर्म येलो, किस में ज्यादा अच्छा लग रहा है आप लोग बताइए। तो ये है एक अनबॉक्सिंग जो कि मैंने मंगाया है, ये डिजिटेक का ये चीज जो कि मैं अभी करूंगी तो मेरे से इतना बड़ा हो रहा है ये। और ये चीज मैंने मंगाई है क्योंकि मैं रात में शूट नहीं कर पाती थी बिकॉज ऑफ लाइट की प्रॉब्लम। तो अब मैं लाइट की प्रॉब्लम से थोड़ी मुक्त हो चुकी हूँ और अभी मैंने ये मंगाया है। तो इसका एक महीने बाद क्या रिजल्ट रहता है, क्या मुझे अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता, अभी तो सामने से जो मैं देख रही हूँ मुझे ये चीज अच्छी लग रही है। अभी ये चीज आने वाले टाइम पे पता चलेगी कि ये चीजें कितनी अच्छी लगती है, क्या इसका मुझे कुछ नेगेटिव पॉइंट लगता है नहीं लगता है। अगर आप चाहते हैं उसका मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये इंस्टॉलेशन में इजी इंस्टॉलेशन है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए देंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा, ज्यादा तामझाम नहीं है। अच्छी चीज तो ये है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन ये इसके अंदर एक और ट्राइपॉड आया हुआ है जो कि आप इसके ऊपर भी जैसे टेबल पे रिंग लाइट रख के और दूसरी ट्राइपॉड में या मतलब कहीं पे इसको रख करके रिंग लाइट को ऊपर आप ऐड करके ये भी मतलब रिंग लाइट की तरह यूज कर सकते हो। तो ये भी चीज मुझे, ये चीज का पता नहीं था, लाइट के बारे में पता था, तो ये चीज एडिशनल मुझे मिली है। बाकी मुझे ये चीज ओवरऑल अच्छी लग रही है, स्ट्रेंथ वाइज भी अच्छी लग रही है। और जो इसकी प्राइस है इसके बारे में बात करते हैं, तो मैंने लिया है 1699 रुपीस में जो कि डील ऑफ द डे था, तो मैंने उसके अंदर इसको बाय किया है। अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ओवरऑल ये चीज मुझे अच्छी लगी है, अगर प्राइस के अकॉर्डिंगली बात की जाए तो ये वर्थ लग रही है मुझे। थोड़ा सा मुझे ये लग रहा था कि जो इसका रिंग लाइट है यानी कि जो लाइट है वो थोड़ा सा मुझे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली थोड़ा मुझे छोटा लग रहा है, मैंने सोचा था थोड़ा बड़ा होगा, ब्राइटनेस भी मुझे थोड़ा कम लग रहा है जो मैंने सोचा था उसके अकॉर्डिंगली। प्राइस के अकॉर्डिंगली ठीक है, अब हो सकता है कि इतने प्राइस में इतना ही मिलता हो। मैंने फर्स्ट टाइम रिंग लाइट बाय किया है, मुझे कोई पहले का एक्सपीरियंस नहीं है कि कौन सी चीज कितने ब्राइटनेस करती है क्या नहीं, पर मुझे थोड़ा कम लग रहा है। बाकी आप लोग बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है इसका इफेक्ट और क्या है। तो चलिए यहाँ पे हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने अनबॉक्सिंग की है डिजिटेक के रिंग लाइट की। अगर पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं अपने चैनल पे हेल्थ ब्यूटी और पेंटिंग टिप देती हूँ, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।